बेईमान तुहानू पता होना चाहिए है कि मुख्यमंत्री दे मूँह चो एक एक मैं कहना है इस जिहड़े ड्रामे विच भगवंत मान ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए आ अलॉटमेंट लैटर है 989 की तो मैं अलॉट हुआ 89 तो 76 च एस वायल दो दिन पहले लुधियाने विच पंजाब दे नलायक निखिध निकम्मा जाली मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ड्रामा रचिया जिहदा नाम डिबेट दिती गई। उत्थे करफ्यू ला दिता गया, किसी नूं अंदर नहीं आउण दिता गया। सानूं पता सी इह ड्रामा, इस करके सारी पोलिटिकल पार्टियां ने उहदा बायकॉट कीता। उहदा मतलब की सी कि मैं इन्ना झूठ बोलना, क्योंकि इन्हें मीडिया दे 30 करोड़ रुपये खर्चे सी, सारा लाइव अपना दिखाउणा चाहुंदा सी, ते कल्ले अपनी स्पीच दिखाउणी सी उहने, ते बाकियां नूं कट कर देना सी। मैं कहना है इस जिहड़े ड्रामे विच भगवंत मान ने रिकॉर्ड ही तोड़ दित्ते। भगवंत बेईमान तुहानू पता होना चाहिए है कि मुख्यमंत्री दे मूँह चो एक एक गल निकली, मतलब है लोगों को विश्वास होना चाहिए है। पिछले पौने 2 सालों च इन्ने झूठ बोलते, इन्ने ड्रामे करते कि लोगों का तेरे ते विश्वास ही उतर गया। मेरा मन नहीं सी कि जिहड़ियां गल्लां तू बादल परिवार के खिलाफ या अकाली दल के खिलाफ तू बोलियां, झूठ बोले है, मैं उन्हां जवाब देवां, क्योंकि मैं तेनू फिट ही नहीं समझदा। जिहड़ा इन्ना नलायक निखिध निकम्मा मुख्यमंत्री है, उहदा जवाब मैं क्यों देवां। पर मैं पंजाब की जनता नूं ते देश वासियां नूं दसना चाहुंदा सी किड्डा झूठा मुख्यमंत्री है। 3-4 गल्लां ते मैं दसूंगा जिहड़े इन्होंने बादल परिवार ते निजी हमले किए। पहला हमला किया इन्हें, क्या कि बादल परिवार की जमीन बालासर फार्म है, जिथे खास नहर कढ़ी गई बादल परिवार के उस खेत वास्ते। भगवंत मान देवी लाल पहली बार मुख्यमंत्री बनया 1977 च, ते आ जिहड़ी नहर कढ़ी गई है आ 1955 शुरू होया उहदा काम। भाखड़ा मेन लाइन बनाई गई, भाखड़ा दी नहर जिहड़ी तुसीं देखदे हो पंजाब चों निकलदी हरियाणे जांदी आ, उदों ना हरियाणा पंजाब अलग नहीं सी, एक जॉइंट पंजाब सी। उह भाखड़ा दे नाल अगे उस इलाके नूं पाणी देण वास्ते एक पंजुआणा ब्रांच कढ़ी गई, उस पंजुआणा ब्रांच तों एक बाणी ब्रांच कढ़ी गई, उस बाणी ब्रांच तो एक बालासर ब्रांच कढ़ी गई। तो वह जी बालासर की ब्रांच कढ़ी गई, आ मेरे को फर्दा है इंतकाल की कॉपी है, जिहड़ी 1964 विच 12/3/1964 विच बालासर जिहड़ी ब्रांच कढ़ी गई है। देवीलाल तो 77 च बनया, आ 1964 उदों पंजाब ही नहीं बनया सी। एडा वड्डा झूठ मैं पंजाब की जनता को दसना चाहता, आ ये झूठ बोलते हैं। दूजी गल हूँ कहूँगा कि बालासर जमीन जिहड़ी है वह भी देवीलाल ने दित्ती होनी है, क्योंकि यदा कोई पता नहीं किस स्पीच से जाके कोई झूठ बोलते। मैं वह भी दसना चाहना, जिहड़े बालासर साढ़े फार्म है, बादल साहब के नानकिया का हिस्सा आया सी, आज़ादी तो पहले की जमीन है साढ़े को, जिहदी अलग गल कर रहे हैं। दूजा झूठ जिहड़ा इन्हें बोलिया, कहन लग्या कि जी 62 परमिट मैं बादलों के कैंसल कर दते, बड़े इलीगल सी। वो भी झूठ है, एक भी परमिट कैंसल नहीं होया। होया की है, एक्सटेंशन जिहड़ियां 2 तों उत्ते एक्सटेंशन वो सारिया दियां सुप्रीम कोर्ट के अदायत के उत्ते, वो सारिया दियां एक्सटेंशन जिहड़ी दित्तियां गईयां सी, एक एक्सटेंशन अलाउड सी, दूजी एक्सटेंशन उत्ते वो सारिया दी कटेल कीतियां गईयां। आ जिहड़ा एक्सटेंशन का एक्ट बनाया गया सी बेअंत सिंह ने 1993 विच, पहली जिहड़ी एक्सटेंशन डबल एक्सटेंशन दित्ती गई सी वो सेवक ट्रांसपोर्ट नूं दित्ती गई सी 1993 विच बेअंत सिंह ने। अज तकरीबन 30 साल हो गए, 30 सालों विच सारे जिन्ने ट्रांसपोर्टर है उन्होंने एक्सटेंशन लेतियां, पंजाब रोडवेज ने भी एक्सटेंशन लेतियां, तो PRTC ने भी डबल एक्सटेंशन लेतियां। भगवंत मान जिहड़ा तू कहना बादलों का किया, रोडवेज की भी कैंसल होया, तो PRTC भी कैंसल होणगे, एडे वड्डे झूठ। बड़ा जोर ला लिया, असीं बादलों की बसा बंद करनियां, चल रही तेरिया बसा। तीजी गल जी कई स्पर्श स्पीचां करता हुंदा कि चौधरी देवीलाल ने बादलों नूं जिहड़ा होटल गुड़गांव है वह दिता है SYL नहर के बदले। मैं पूछना चाहना है, इतिहास पढ़िया तू, बोलन तो पहले कितने किताब पढ़ी है, कितों SYL बनी, किने बनाई,
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ 1976 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ 1976 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 1999 ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਗੜਗਾਓਂ 'ਚ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ 1989 ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੋਟ ਹੋਏ 89 ਅਤੇ 76 'ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਕਨਾਲ ਦਾ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 78 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, 82 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ, ਨਹਿਰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ! ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਲੈ ਲਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, MSP ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 10 ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ।